नमस्कार, पुष्पलता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अमृतसर की फेमस पनीर भुर्जी ग्रेवीदार रेसिपी बनाने। तो उसके लिए मैंने पनीर को मोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस करके ले रखी हूँ। बारीक वाले कद्दूकस पे आपको नहीं कद्दूकस करना है। और इसमें डालने के लिए मैंने छोटी साइज़ की बिल्कुल प्याज ले रखी हूँ और ज़्यादा सी लहसुन की कलियाँ ले रखी हूँ और ये चार मैंने हरी मिर्च ले रखी हूँ और दो बड़े साइज़ का मैं टमाटर को कट करके ले रखी हूँ। और कढ़ाई जो है मैंने गैस पे रख दी हूँ। अब इसमें मैं दो चम्मच जो है घी डाल दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और मैं इसको लोहे की कढ़ाई में बनाऊँगी। लोहे की कढ़ाई में ये पनीर भुर्जी की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनती है। और एक छोटा चम्मच मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। और इसमें मैं हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे कट करके भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ का अपना अलग अलग एक टेस्ट होता है। जैसे हम प्याज को या टमाटर को पेस्ट बना करके भूनते हैं, सब्जी में डालते हैं, उसका टेस्ट कुछ और होता है। काट करके डालते हैं, उसका टेस्ट कुछ और रहता है। अपना अपना एक अलग टेस्ट होता है। तो मैं इसीलिए प्याज को कट करके नहीं डाल रही हूँ, ना तो पेस्ट बना के डाल रही हूँ। इसको मैं इसी तरीके से भूनूंगी। इसको मैं भूनते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ऊपर से हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं टमाटर को डाल देती हूँ। और अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, क्योंकि ग्रेवी बनाने के बाद मैं नहीं डालूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे हल्का सा नमक डाल करके इसको मतलब भूनते हुए गला सकते हैं। बाद में आप ग्रेवी में डाल दीजिएगा, पर मैं एक ही बार नमक डाल रही हूँ। तो इसको मैं भूनते हुए और करछी के बैक साइड से इसको मैं दबाते हुए इसको एकदम पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो इसको हम चलाते रहेंगे और करछी के बैक साइड से बराबर हम इसको दबाते हुए मसलते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका पेस्ट बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो रखा है। और अब इसमें हम मसाले डालेंगे। इसको मैं बराबर बैक साइड से दबाते हुए इसको तैयार करी हूँ। और एक छोटा चम्मच इसमें मैंने धनिया पाउडर डाली हूँ और एक छोटा चम्मच से कम मैंने जीरा पाउडर और एक छोटा चम्मच से कम काली मिर्च पाउडर डाली हूँ और एक छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाली हूँ। यहाँ पे मैं लाल मिर्च नहीं डालूंगी। और एक छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर और एक छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। इसको मैं चलाते हुए बराबर इसको भून लूँगी। और अब इसमें मैं दो चम्मच दही डाल दूँगी। दही जो है मीठी वाली है, खट्टी दही नहीं डालनी है। इसको भी मैं मिलाते हुए भून लेती हूँ। इसको बराबर मैं मिलाते हुए भून रही हूँ। ये जो है भून चुका है। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। अब पानी डालकर मैं इसको कुछ देर तक और इसको पकाते हुए भूनूंगी। तो आप देख सकते हैं इसको मैं पका रही हूँ। तो आप एक बार इस तरीके से पनीर भुर्जी की रेसिपी ज़रूर बना के देखिए। और एक चम्मच भर के मैंने भुने हुए चना का बेसन डाल दी हूँ, इससे टेस्ट इसका और बढ़ जाएगा।
और इसको भी मैं मिक्स करके कुछ देर तक भून लूँगी। तो आप देख सकते हैं मसाला जो है भून चुका है और अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। पानी जो है अपने हिसाब से आप डालिएगा। तो पहले मैं इसमें पनीर डाल करके मिला लेती हूँ। तो पनीर को इसमें मिलाने के बाद अगर हम पानी डालते हैं तो ग्रेवी का बहुत ही अच्छा पता चल जाएगा। तो अब इसमें हम पानी डाल देते हैं और इसको हम मिला लेते हैं। और थोड़ा सा पानी और हम डाल देते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा हम ग्रेवी वाला नहीं रखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं रहता है। लगी लिपटी ये पनीर भुर्जी की रेसिपी तैयार होती है। तो इसको हम पका लेते हैं कुछ देर। तो कुछ देर पकते हुए हो चुका है। अब इसमें हम एक चम्मच हमने कस्तूरी मेथी को क्रश करके डाल दिए हैं, जिससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। इसको हम उठा करके भी दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके की ही ग्रेवी चाहिए, लगी लिपटी। और अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो इसको हम सर्व कर लिए हैं पराठे के साथ। आप चाहें तो यहाँ पर पाव के साथ या ब्रेड के साथ या नान के साथ, आपको जैसे पसंद आए उसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने एक दो प्याज और एक हरी मिर्च रख दिए हैं इसके साथ। और अब इसमें एक छोटा टुकड़ा हम बटर का डाल देते हैं। ये अब ये खाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई कमियाँ है तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं नई एक पुरानी रेसिपी के साथ।